हेलो स्टूडेंट्स, पीसी में मैं आपको जो हूँ वाइवा बेस पर आपको चैप्टर करवा रही थी स्टूडेंट्स, और मैंने जो है उसमें आपको 4 चैप्टर करवा दिए थे और उसमें मार्क भी करा दी थी कि आपको जो है टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन तक मैंने मार्क करा दिए थे कि आप जो है वाइवा बेस पर ये क्वेश्चन जो है लर्न कर लीजिए, ये टॉपिक को लर्न कर लीजिए। उसी से रिलेटेड हम अपने चैप्टर नंबर 5 पर आ रहे हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स मीन्स होता क्या है, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी राइट करवाई थी। बैरियर्स मीन्स दैट सिचुएशन विच कॉज अ डिस्टर्बेंस इन ए वर्क और इन ए प्रोसेस। बैरियर्स यानी कि रुकावटें, व्यवधान, किसी काम में किसी भी कारणवश कोई रुकावट पैदा होती है उसी को बैरियर्स कहा जाता है। बैरियर्स स्टूडेंट्स आपने सड़क पर एज ए स्पीड ब्रेकर देखे हैं कि जो कि वो भी एक बैरियर्स हैं, और बैरियर्स यानी कि वो किसी हमारे जो कोई हम चले आ रहे हैं स्पीड से तो उसको स्पीड को कम करने के लिए वो बैरियर्स बने हुए होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स बने हुए होते हैं। लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन में है बैरियर्स, कि बैरियर्स का कम्युनिकेशन में क्या रोल है और बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, तो ये आप जो है मार्क कर लीजिएगा। बस आपको ये लर्न करना है तो डेफिनेशंस लर्न करनी है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको राइट करवाई है वो डेफिनेशंस लर्न करनी है। उसके बाद आता है आपका बैरियर्स। अब देखिए पेज नंबर 18, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स, अब मैं आपको पूरा तो डिटेल में नहीं बताऊंगी, केवल आपको आपको बताती चलती हूँ, समझाती चलती हूँ, क्योंकि आपका वाइवा में आएगा, आपका डिटेल में मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसमें बैरियर्स इन ट्रांसमिशन, कि बैरियर्स कहाँ पर आता है, मतलब हम कम्युनिकेशन में बैरियर्स को कैसे हम उस वहाँ पर हम उसको पाते हैं। देखिए ट्रांसमिशन इज ऑल्सो ए पैरेलस प्रोसेस पर्टिकुलरली वेयर द मैसेज मस्ट पास थ्रू इंटरमीडिएट इंटरमीडिएटरी, सो सच दैट इट इज सम केस मीनिंग ऑफ मैसेज इज इंटायरली चेंज विद व्हेन इट रीचेस द रिसीवर। यानी कि बैरियर्स इन ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज देता है और किसी मतलब इस मोबाइल के थ्रू देता है या किसी, आजकल तो मोबाइल का ही है कि मोबाइल के थ्रू जब मैसेज दिया जाता है, या आपने देखा कि लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनके थ्रू मैसेज दिया जाता है, तो कभी कभी होता है कि वो क्या कहते हैं डेड होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जब कोई सेंडर मैसेज दे रहा है रिसीवर को तो वो उसकी समझ में नहीं आता, बीच में एक डिस्टर्बेंस की आवाज़ आती है कि ऐसा लगता है कि कोई ट्रांसमिशन में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती, उनकी आवाज़ आप तक नहीं आती है। तो ये होता है बैरियर्स इन ट्रांसमिशन, की कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसमिशन में और जो कि दोनों की एक दूसरे को मैसेज नहीं दे पाते हैं, तो वो होता है बैरियर्स इन ट्रांसमिशन। बैरियर्स इन द रिसीवर, सेम सिचुएशन वही होती है कि जब रिसीवर आपको कोई प्रॉब्लम, अब आपको आपके फीडबैक मतलब आपको दे रहा है, आंसर दे रहा है, और आपकी आपने जो क्वेश्चन उनसे पूछा है या कुछ भी उनसे बताया है वो तो उसकी समझ में आ गया, लेकिन जब वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है तो वो आपको समझ में नहीं आया ड्यू टू सम रीजंस, चाहे वो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो या आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है या आपके फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है जिससे कि वो वर्क करने बंद, क्योंकि ये चीज़ें एटवंस एकदम से बंद हो जाती है, थोड़ा सा पहले हमें सिग्नल तो दे देती है, रिचार्ज के लिए हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि आपका बंद होने वाला है, आपकी बैटरी डाउन हो तो उसका भी मैसेज आ जाता है, लेकिन किसी भी वजह से अगर हम उस चीज़ को हमारे पास कोई प्रेजेंट उसका कोई हमारे पास साधन नहीं है जिससे कि हम उसको चार्ज कर लें कुछ कर लें, तो क्या होता है कि उससे भी फोर आपका कनेक्शन जो है कट जाता है। तो ट्रांस बैरियर्स जो है वो रिसीवर की साइड से भी आ सकता है और सेंडर की साइड से भी हो सकता है। बैरियर्स इन फीडबैक, फीडबैक में क्या होता है कि जब एब्सेंट कहाँ पर हो जाती है, देखिए व्हेन फीडबैक इज एब्सेंट द कम्युनिकेशन वन वे, व्हेन फीडबैक इज प्रेजेंट द कम्युनिकेशन इज टू वे। यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा और हमें उसकी फीडबैक चाहिए, लेकिन क्या होता है कि फीडबैक में प्रॉब्लम आ जाती है, बैरियर्स आता है, यानी कि जो फीडबैक देनी है वो किसी कारण से दे नहीं पा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब फीडबैक प्रेजेंट होती है तो कम्युनिकेशन भी प्रेजेंट होता है, जब फीडबैक एब्सेंट होती है तो कम्युनिकेशन भी एब्सेंट रहता है। मीन्स कि जब आपके पास मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, तो उसमें की फीडबैक भी आप कैसे कन्वे करें, तो फीडबैक भी जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकती। तो इसलिए अब इसमें देखिए
उसके बाद में ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल बैरियर्स दे रखा है। उसके बाद देखिए कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द मीनिंग सब्सक्राइब द मैसेज डिपेंड अपॉन द इमोशन साइकोलॉजिकल बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो बैरियर्स होता है वो साइकोलॉजिकली भी होता है, यानी कि इसमें दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, सेंडर और रिसीवर्स। तो कई बार फिजिकली और जो है आपका इमोशनली बैरियर्स, यानी कि क्या है कि आप इमोशंस हो गए, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो वो भी बैरियर्स का काम करती है। जिसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, केवल बस आपको समझना है बैरियर्स के लिए, है ना। तो बस आपको केवल समझना है, इनको लर्न करना है। जैसे बैरियर्स इन फीडबैक है, अभी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया है, तो इसमें दोनों ही पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं इन अ कम्युनिकेशंस। अपार्ट फ्रॉम मैसेज देयर इज मेटा मैसेज, दैट इज व्हेन वन गेट्स आउट द मैसेज व्हेन डिकोडिंग। ऑफन ह्यूमन बैरियर्स आर मोर लाइक आफ्टर पेपर दैट द ब्रिक वॉल, यानी कि कभी कभी जब मैसेज जो उसको किया है रिटर्न में, वो मैसेज रिटर्न करने के लिए उनको बोला गया है, लेकिन वो किसी तरह से किसी कारण से वो उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो ये बैरियर्स में आपका आता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ए डेलिब्रेटेड क्रिएशन ऑफ द अटेंशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट डे टू हैपनिंग व्हेन ईदर रिक्वायर्स बीइंग फॉर इन ए मैनर दैट कंट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट मोस्ट एफिशिएंट मैनर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स ये जैसे क्लासरूम है, इसमें टेबल एंड चेयर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। और बैरियर्स का काम कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई मैसेज हमें कन्वे करना है, आपको लेक्चर देना है, आपको पढ़ाना है, लेकिन आपके पास जब टेबल और चेयर बैठने के लिए नहीं होगी तो क्या होगा कि आप लोग खड़े होकर करेंगे या कैसे भी करेंगे। तो यानी कि वो बैरियर्स का काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑब्जेक्ट की कमी के कारण वो बैरियर्स आ जाता है। यानी कि जो हमारा लेक्चर आपको देना है, हमें आपको पढ़ाना है, तो वो जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि चेयर्स और टेबल अवेलेबल नहीं है आप ताकि बैठ सकें और उस चीज़ को, हमारे लेक्चर को आप ईजिली ले सकें, तो वो चीज़ क्या होती है कि प्रॉब्लम आ गई, बैरियर्स का काम कर दिया। क्योंकि जब टेबल और चेयर्स ही ऑब्जेक्ट नहीं है, या लाइट नहीं है, गर्मियाँ चल रही है, फैन नहीं है, तो यानी कि जिसके कारण हमारा वर्क इफेक्ट होता है, उससे तो अफेक्ट हो गई भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीने आएंगे, जिसके कारण आपका ध्यान नहीं रहेगा सुनने में, आप परेशान रहेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी बैरियर्स का काम करते हैं। पर्सनल बैरियर्स तब होता है बच्चों कि जब आप जो हैं पर्सनल बैरियर्स में, मान लें कोई भी चीज़ है, आप उसको समझा नहीं सकते दूसरों को। यानी कि आपको कोई मान लीजिए कोई टॉपिक समझाना है या कुछ समझाना है, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स कि आप जो हैं उस काम को करने के योग्य नहीं है, यू आर अनेबल टू डू दैट वर्क, मतलब फिजिकली आप उस काम को नहीं कर सकते। आपको बोला जाए कि ये काम आपको करना है, लेकिन आप किसी भी कारण से उस काम को नहीं कर सकते, तो उसको जो है फिजिकल बैरियर, यानी कि जो फिजिकल कोई आपका कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो काम करने में आपके एक जो है व्यवधान उत्पन्न कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है कि किसी फिजिकली यानी कि कोई बुखार है, कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो आपको मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो आता है इसमें, वो भी बैरियर्स का काम करते हैं। अभी कहते हैं कि जो बैरियर्स आ जाते हैं तो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे उभर कैसे सकते हैं। तो मैंने आपको बच्चों इन शॉर्ट में ही आपको बताया है बैरियर्स के बारे में, आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, और उसके बाद वो जो है अब मैं पहले समझा देती हूँ, फिर मार्क कराती हूँ मैं आपको कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने की, ये बैरियर्स की टाइप्स होती हैं। अब इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इन चीज़ों से उभर कैसे सकते हैं हम, अगर बैरियर्स होते हैं तो हम उस चीज़ से उभर कैसे सकते हैं। देखिए फ्रॉम एलिवेशन द डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम जो भी कुछ हम एक्सप्लेन करें उसका डिस्क्रिप्शन करें, यानी कि उसको हम जो है उसका जो वर्णन है वो अच्छी तरह से कर सकें। यानी कि कोई चीज़ को अगर हमें बैरियर से बचना है तो हमें जो भी कुछ वाट एवर यू वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज टू द पर्सन्स या टू द स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्सप्लेन, उसको हम एक एलोबरेट करें, पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन कर लें, ताकि कोई पॉइंट ही ना आए, कोई गुंजाइश ही ना आए कि वो चीज़ हमारी जो हम भी कुछ कहना चाहते हैं वो समझ ना सके। फ्रॉम कंट्रोल और प्रॉब्लम ओरिएंटेशंस, उसमें जो कंट्रोल जो कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि अगर हमें मालूम है हमें पढ़ाना है तो हमें जो है
प्रॉब्लम्स आती है टेबल चेयर की क्लास में नहीं है तो हमें पहले टेबल चेयर्स वहाँ पर अरेंज करनी चाहिए और उन्हें जो प्रॉब्लम इस जिसकी वजह से जो हमारा बैरियर्स आ रहा है उससे जो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है या लेक्चर नहीं हो पा रहा है तो उस प्रॉब्लम का पहले से ही सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए कि किसी और किसी भी कारण हमारे जो प्रॉब्लम जो हमारा वर्क ऑर्डर उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आए तो हमें उस चीज़ का पहले से ही निवारण कर देना चाहिए। आपने कहावत सुनी थी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, वही वाली बात आती है कि प्रॉब्लम से पहले ही उसका हमें जो है सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। फ्रॉम स्ट्रेटजी टू स्पॉन्टेनियसली, यानी कि स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए प्रोग्राम की, कोई कोई भी काम देने जाए तो उसका एक हमें स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें उस काम को कैसे करना है। और आपकी सुपीरियरिटी टू इक्वालिटी, फ्रॉम सर्टेन टू प्रोविजनलिज्म, यानी कि सुपीरियरिटी टू इक्वालिटी, इसमें मतलब यह है कि इक्वालिटी जैसे आपका कि इक्वालिटी हमें मतलब सुपीरियर जैसे हम जैसे सुपीरियर से बात करते हैं, हायर अथॉरिटी से बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो बात करते हैं यानी कि उन्हीं से संबंधित उन्हीं के आपस के सिमिलर रैंक के जो होते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर हमारी है और हम जो है उस चीज़ को अपनी हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमारा ये है कि हम जो है जैसे किसी उसी के सिमिलर व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम उन तक पहुंचा सकें। तो बच्चों ये ओवरकम्स के हैं आपके। और तो इसमें देखो बच्चों, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली बात है कि आप लोगों को बैरियर्स की डेफिनेशन जो मैंने राइट करा रही है वो आपको लर्न करनी है। उसके बाद आपको बैरियर्स एट सोर्सेस यानी कि सो बैरियर के सोर्सेस कौन सी हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बैरियर्स, फिर आप करेंगे बैरियर इन ट्रांसमिशन, बैरियर इन द रिसीवर, बैरियर इन फीडबैक्स, एक्सटर्नल बैरियर्स, सिमांटिक बैरियर, सिमांटिक बैरियर्स होता है सिमांटिक बैरियर से बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को डिकोड करने के लिए कहते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, कि किसी भी माध्यम से जब हम डिकोड करने के लिए कहते हैं, नोट करने के लिए कहते हैं तो किसी रीज़न से वो चीज़ को क्लियर हम जो मैसेज जैसे वीडियो के थ्रू है, अब वीडियो हम जैसे अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन के थ्रू, तो आप लोगों का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया कि मैडम हमारी वीडियो में आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी मैसेज है जो भी हम आपको लेक्चर सेंड कर रहे हैं वो आपको ईजिली समझ में आ रही है, है ना, वो आपको इजीली समझ में आ रहे हैं। और जो मैं चीज़ें बोलती हूँ कि बच्चों नोट कर लो, ब्लैक बोर्ड से बोलती हूँ कैसे भी बोलती हूँ, तो आप उसको इजीली नोट कर रहे हैं। यदि वीडियो भी आप देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ आ नहीं रही है या बहुत लाउड आ रही है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि जो मैसेज मैं आपको कन्वे कर रही हूँ उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उसको नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में बनाने में प्रॉब्लम है, जब इसको अपलोड हुई इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो भी कुछ है, तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर्स। तो आपको ये जो है सिमेंटिक बैरियर्स, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर्स, ये आपको इनके बस टॉपिक याद करनी है। उसके बाद कि ओवरकम कैसे करें, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं आप इनको लर्न कर लीजिएगा। बस ये आपके वाइवा के बेस पर ही ये जो है आप स्टूडेंट्स आपका ये बैरियर्स का है, डिटेल में हमें समझाना नहीं है, केवल आपको वाइवा के बेस पर करना है। अगर एग्जामिनर पूछे तो सबसे बड़ी बात है कि बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आप बैरियर्स की डेफिनेशंस बोलते हैं और ये इन बैरियर्स के बारे में बताते हैं तो मतलब इनके बस आप टाइप्स ही बोल देंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये बताने के लिए, है ना, कम्युनिकेशन की नहीं, बहुत सारे देखा है कि प्रैक्टिकल में बस कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ यही बोलते रहते हैं, हर स्टूडेंट्स आगे ये डेफिनेशंस बताता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं मैंने आपको मार्क कराए हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस बोल दीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा दीजिएगा, टाइप समझा दीजिएगा, है ना, किसी भी पॉइंट्स को गेस्चर पॉइंट्स वो कम्युनिकेशन उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मतलब हर स्टूडेंट्स ये सोचे कि अगर 10 स्टूडेंट्स ग्रुप में खड़े तो 10 स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक पे बोले, इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, क्योंकि नहीं तो स्टूडेंट्स ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो भी आ रहा है वो बोला है, बच्चों की तरह जैसे पोएम याद कर लेते हैं, बचपन में हमने क्लासेस में हम लोगों ने भी था कि बस एक दो पोएम्स याद कर ली थी और बस वही मैडम जब हमारा होता था बस उसी पोएम्स को बोलते रहते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास इतना सब कुछ है बोलने के लिए, आप अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे हर स्टूडेंट्स अपना आपको तैयार करें। उसके बाद है मैं अब आपको बता रही हूँ सीधे चैप्टर नंबर 6, आज मैं आपके वाइवा के कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मुझे ग्रामर शुरू करनी है। उसके बाद आता है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, नेक्स्ट चैप्टर है लास्ट
टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कम्युनिकेशन मतलब टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बाय विच मेथड यू कैन कन्वे योर मैसेज टू द अदर पर्सन, यानी कि वो साधन जिसके द्वारा आप अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। आज हमारे पास टूल्स मीन्स मेथड, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था तो उसमें बताया था थ्री एजेस में बताया था, एनिसेंट टाइम, मिडिल टाइम एंड मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम यानी जितने भी आज कम्युनिकेशन के हमारे पास साधन हैं, टूल्स हैं, वो सारे इसमें आते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, और इसमें भी आपके दे रखे हैं टेलीप्रिंटर, फैसिमिल टेलीग्राफी, टेलीफोनिक वायर्स, है ना, इंटरकॉम, PBX, लाउड स्पीकर्स, टेलीफोन, TV, है ना, जितने भी हैं वो सारे आप टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में डाल दीजिएगा, बस इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 6 चैप्टर वाइवा बेस पर मैंने आज आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि ये जो आपके स्टार्टिंग में ऑन कम्युनिकेशन से पहले, यानी कि जो फर्स्ट टू 6 चैप्टर हैं वो केवल आपको मैंने आपको मार्क करा दिए हैं इनके टॉपिक, बस उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपसे एग्जामिनर इनसे भी पूछ सकते हैं। और जो ऑन कम्युनिकेशन में बच्चों CV Raman जो हमारा चैप्टर है उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी PC की बुक में से, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, टेंस भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बोल देंगे आप उसको सॉल्व करिए। अब आपने सेंटेंस देखा, इनडायरेक्ट स्पीच मैंने कंप्लीट करा दिया, टाइप्स कौन सी आप पहचानेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व बता देंगे कि आप हाँ अच्छा भाई ये सेंटेंस है इसको सॉल्व करो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो इसके लिए बाउंड नहीं है कि ये 6 चैप्टर में से ही पूछेंगे, क्योंकि PC का है पूरा आपका है, तो आप जो है इसमें पूरा कर लीजिएगा। मैंने आपको आपको प्रैक्टिकल भी राइट करा दिए हैं, 4 प्रैक्टिकल राइट कराए हैं, अब उसके बाद में जो थर्ड, हाँ तो 4 मैं प्रैक्टिकल भी स्टूडेंट्स आपको राइट करवाऊंगी, 2 प्रैक्टिकल और करवा आपको 3 और करवाने हैं, 6 प्रैक्टिकल राइट करवाएंगे तो 3 आपके हो चुके, 3 में और करवाऊंगी, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद में बीच में हम प्रैक्टिकल का रह गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा लगभग 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हाउ, कैसे, देखो वाइवा के 6 चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं और मैंने आपको बोल दिया है कि जो मैंने डेफिनेशंस लर्न कराई है बैरियर्स के आप उसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसके टैग्स याद कर लीजिएगा और हाउ शुड वी ओवरकम, हम उससे कैसे उभर सकते हैं, वो लर्न के 2-4 पॉइंट्स वो कर लीजिएगा। उसके बाद टूल्स का बताया था, टूल्स वाले आपको मालूम है कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, टूल्स मीन्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कन्फ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ें जो सारी आपको बतानी है, मोबाइल्स, इंटरनेट, जो भी कुछ है, सारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन उसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसमें मैंने आपको बता रखे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जितने भी हैं, तो ये सब आप टॉप मतलब इनके पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन 7 चैप्टर 2 हमारा जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी का हमारा जो है कम्युनिकेशन वो कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर आपको मार्क करा दिए हैं, जितने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको मार्क कराए स्टूडेंट्स वही आप लर्न करेंगे। ग्रामर में ही फिर उसके बाद हमारी ग्रामर आती है, ग्रामर में मैंने स्टूडेंट्स आपको टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच आपकी कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट जो है मैं आप लेने जा रही हूँ आपका पैसिव वॉइस के बाद आपका सिंथेसिस के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी समझा दिया है, पहले प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की भी उसमें हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता देंगे आपका, यानी कि सिंथेसिस और फिर हमारी आपकी जो हमारी रह रही है सिंथेसिस एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद में आपका लेटर आता है, हिंदी और इंग्लिश के लेटर्स आते हैं, बाकी मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। ऐसे हैं इंग्लिश में क्योंकि आपका ऐसे भी आएगा, लेटर्स एप्लीकेशन है तो वो वर्क रह गया है, और मैंने लर्निंग वर्क एक दिन आपको बता देता है स्टूडेंट्स कि होमोफोन्स, वन वर्ड्स, एंटोनियम, सिनोनियम सब बता दिया था, आप उसको लर्न करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो है हमने ये सब कुछ बता दिया स्टूडेंट, तो आज हमें ग्रामर का पार्ट शुरू कर रहे हैं, ग्रामर का जब पैसिव वॉइस करा रहे हैं बीच में फॉर ए चेंज हम आपको एक प्रैक्टिकल भी राइट करा देंगे। हमें आपको 3 प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी यू हैव रिटन ऑलरेडी 3 प्रैक्टिकल्स एंड देर आर 1 मोर मतलब 3 प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो रिमेनिंग, 3 और रह रहे हैं वो मैं आपको लिखवा दूँगी। तो आज हम स्टूडेंट हम इसके बाद अब जो है हम ग्रामर का पैसिव वॉइस जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस हम आपको समझाएंगे, आप उनको बैकवर्ड पे से जैसे भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टूडेंट्स
आप उनको लर्न मतलब समझिए और उसको नोट करते चले जाइएगा. सो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पैसिव वॉइस टॉपिक ऑफ ग्रामर. स्टूडेंट्स आपने ग्रामर में पैसिव वॉइस आपने शुरू से पढ़े हैं. हमने फ्रॉम सिक्स क्लास से हमारे पैसिव वॉइस और ये जो है स्टार्ट हो जाते हैं एक्टिव टू पैसिव. इसमें स्टूडेंट्स आपके ग्रामर में जो है केवल आपके फाइव सेंटेंस तो आएंगे जो टेंस के अकॉर्डिंग होंगे आपको कि आपके ब्रैकेट में टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दे वो सेंटेंस दे रखेंगे और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा उसकी फॉर्म में किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है या फॉर्म दे रखी होगी फिनिश दे रखी कौन सी वर्ब यूज़ होगी फॉर्म की कौन सी वर्ब मतलब फॉर्म की वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट होनी है सेकेंड होनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब अपने आप लगा के सेंटेंस को क्लियर करना है कंप्लीट करना है. उसके बाद जो फाइव मार्क्स के आपके जो सेंटेंस आएंगे एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच का होगा एक पैसिव वॉइस का होगा एक सिंथेसिस का होगा एक ट्रांसफॉर्मेशन का होगा और एक उसके बाद में जो हमने आपको याद है इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करवाए थे तो उसमें बताया था ना कि आपका जो है एक एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़ इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा असर्टिव है ना तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर हमें कन्वर्ट करना है इसको यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है. कभी कभी वो भी दे देते हैं या सेंटेंस दे दिया कि एवरीबडी यानी कि असर्टिव में दे दिया नोबडी लव्स हिम है ना या नोबडी नोस हु वांट्स टू बी रिच इस तरह से सेंटेंस दे दिया इसको असर्टिव में चेंज करो. हु वांट्स टू बी रिच कौन अमीर बनना चाहता है एवरीबडी वांट्स टू बी रिच ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया मैंने उसको उसी में आपको बताया था. तो इस तरीके से आपके फाइव मार्क्स के फाइव सेंटेंस आएंगे तो आपका पैसिव वॉइस का भी एक सेंटेंस रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच का भी एक सेंटेंस आएगा सिंथेसिस का भी एक सेंटेंस आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक सेंटेंस आएगा. उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस में कैसे भी वो दे सकते हैं तो हम जो है आज आपका पैसिव वॉइस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टूडेंट पैसिव वॉइस होता क्या सिंपल जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता जरूरी है क्योंकि बिना इसके सेंटेंस नहीं बनता. अब पैसिव वॉइस में करना क्या होता है कि जो भी कुछ सेंटेंस दिया होता है अब इसमें हमें क्या करना होता है जैसे राम आम खाता है फॉर एग्जाम्पल कि राम आम खाता है सिंपल सेंटेंस हमने बोल दिया बता दिया आपको कि राम आम खाता है ये सिंपल सेंटेंस हो गया. लेकिन जब इसको हम बोलेंगे कि आप इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करके बोलिए हिंदी में बोलिए तो आप इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे बोलेंगे तब आप ऐसे बोलेंगे कि आम खाया जाता है द्वारा राम के तब आप पैसिव वॉइस में इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके सेंटेंस को बोलेंगे कि आम खाया जाता है द्वारा राम के. तो ये होती है पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस कि एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए क्या करते हैं जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसके बीच में वाई का यूज करते हैं यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले हम वाई का यूज करते हैं. तो ये हमारी पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है इसी के आधार पर जो है अब हमारी पैसिव वॉइस चेंज होगी. तो समझिए आप कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट और हम इससे पहले जो है वाई का यूज करते हैं के द्वारा
यानी कि जो भी काम हो रहा है, वॉट एवर द एक्शन इज गोइंग ऑन, कुछ भी एक्शन होता है वो बाई किसके द्वारा हो रहा है, जो उस काम को कर रहा है उसको द्वारा में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये काम उसके द्वारा हो रहा है, ये काम उसके द्वारा किया जा चुका है, जो भी है। अब इसमें आप देखेंगे हमारा टेंस, यानी कि हर ग्रामर में टेंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब हम आपको, अब ये तो मैंने फॉर्मल बेस बता दिया कि हम ऐसे पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे, अब आते हैं हम टेंस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस, टेंस में आपने देखा था कि टेंस में देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, हमारे टेंस की टाइप्स होती हैं, है ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब हमने तीनों टेंस के साथ ये ऐड किए तो हमारे पास देयर आर 12 टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं टेंस के। अब पैसिव वॉइस केवल 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंस टेंस की बनती है, 4 टाइप्स ऑफ टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी कि कौन सी की नहीं बनती है, देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मतलब इसकी फ्यूचर की जो इसमें आती है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सो देयर आर 8 टाइप ऑफ टेंस सेंटेंस जिनकी पैसिव वॉइस चेंज होती है। आज तक आपने यही पढ़ा होगा MM, क्योंकि आप 12th पास हैं, आप 10th पास नहीं हैं, आपका जो ट्रेड का जो यहाँ की जो रूल्स कंडीशन है वो 12th पास ही है, आप 12th पास करके आए हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, सबने पढ़ा हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं बनती है, व्हाट इज द रीजन कि इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है, कोई तो कोई रीजन होगा। लेकिन अगर हम किसी से पूछें तो शायद ही कोई स्टूडेंट्स इसका आंसर दे। जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट्स लाइफ में हम चीज को पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे एक तो हमारे टाइम में अगर टीचर से पूछना भी एक डर लगता था कि कोई हम कभी टीचर बुरा ना मान जाए, हम उसे पूछें, क्योंकि किसी ना किसी के दिमाग में तो इस स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी रही होगी कि भाई क्यों नहीं बनती इनकी पैसिव वॉइस। टीचर ने बता दिया कि नहीं बनती है, दैट्स ऑल, काम खत्म, उन्होंने एक टाइप की बता दी, समझा दी, लेकिन आपको इस चीज़ का आंसर नहीं दिया होगा कि बच्चों इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। तो आज मैं आपको स्टूडेंट इस चीज़ का भी आपको आंसर दूंगी, शायद हो सकता है किसी ने दे भी दिया होगा, आपको समझा भी दिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम ही ऐसे कह दें कि हम ही क्या अकेले ऐसे जो आपको बताएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स जो पढ़ने जो पढ़ाने वाले स्टूडेंट जिनको एक्सपीरियंस होता है वो सब चीज़ जानते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या बता रहे हैं। तो अब तक तो आपने पढ़ा होगा कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन क्यों नहीं बनती है इसका रीज़न भी आज आपको मिल जाएगा कि क्यों नहीं बनती है। तब आप इसका आपके अंदर इसमें को लेकर डाउट नहीं होगा, बल्कि आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई इस रीज़न से इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का एक तो रूल जो मैंने बेस बताया था, दूसरा ये है कि इन चारों की पैसिव वॉइस चेंज, ये सेंटेंस जो है टेंस के, ये टेंस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हमारे पास केवल 8 टाइप्स ही ऐसे बनते हैं जिनकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करनी है। पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स
उसी फॉर्म में बनती है जैसे सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रोगेटिव पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, और इंट्रोगेटिव वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। और एक आपने देखा होगा कि उसमें हु वाले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका अलग फॉर्मेट होता है, हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले पैसिव वॉइस उनकी बनती है। एक सेंटेंस आपका उसमें आता है लेट, और लेट की भी जो पैसिव वॉइस बनती है वो कैसे बनती है, जो लेट से स्टार्ट होते हैं सर उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो ये जो सारी टाइप्स हैं ये पैसिव वॉइस की टाइप्स हैं। तो आज हम आपको सिंपल सेंटेंस से अपना पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे सब में ही जो रोल है वो सारा टेंस का ही रोल है, क्योंकि टेंस ही है सब में और टेंस के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस चेंज करनी होती है। पैसिव वॉइस का एक फॉर्मेट जो ये रूल है, और एक चीज और होती है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, चाहे वो सभी कोई सा भी टेंस हो, कौन सी भी टेंस की टाइप हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द पैसिव वॉइस। फर्स्ट तो बेस समझा दिया था, सेकंड आपका ये था इनकी पैसिव वॉइस में बनती है, और थर्ड इज कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है सबके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज अब हम आपको पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो हम टेंस लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को मैंने आपको टेंस में भी समझाया था, तो वो चीज आप ध्यान में रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली वही कंफ्यूज होते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है इसका, पैसिव वॉइस का आराम से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक तो हमारा रूल ये होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स पहचान क्या है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, और प्लूरल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, केवल हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा टाइप्स होगी वो अलग आ जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेंगे, सो दैट आप उसमें गलती ना करें। तो सबसे पहले हम सिंपल पार्ट ले रहे हैं, सिंपल पार्ट के अकॉर्डिंग हम पहले टेंस मतलब चेंज करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, हु वाला चेंज करेंगे, फिर लेट वाला चेंज करेंगे, इसके बाद जो जितने भी पार्ट्स आते रहते हैं वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल, ठीक है ना, सिंपल को कन्वर्ट करेंगे जो हमारा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिटली मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, और प्लूरल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, पहचान यही है, ठीक है। हम दो एग्जांपल लेंगे, दोनों ही एग्जांपल की पैसिव वॉइस बनाना आपको बताएंगे। अब सबसे पहली बात, अब जैसे है सेंटेंस है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है, सेकंड हो गया लेटर, सेकेंड इज दे ईट मेंबर्स, ये हमारा सेंटेंस है। अब आपने देखा कि ये जो मेन वर्ब है हमारी राइट, इसमें एस लगा हुआ है, और ये पर्सन भी, ये सीता जो है ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है,
क्योंकि ऑलरेडी राइट की स्पेलिंग डब्ल्यू आर आई टी ई होता है और इसमें डबल ई एस नहीं होता है, एस लग गया यानी ये पहचान हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकंड, ये हमारा दे प्लूरल है, दे के साथ ईट और मैंगोस, यानी कि ईच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट एट ईटिंग, तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एस या ई एस नहीं है। अगर सीधा हो जाता तो यहाँ पे ईट्स हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है दे रखा है और दे के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको मालूम ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा होगा और पास्ट इंडेफिनिट में ही ऐसा होगा, अदरवाइज जितनी टाइप्स होंगी वो ऑलरेडी अपने आप पता चल जाएगी क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होगी। केवल थोड़ा सा चेंज करके ही आपको सेंटेंस चेंज करना है, लेकिन मुश्किल जो आती है सबसे ज्यादा आती है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जी दिक्कत आती है स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना याद रखना है जो उसका फॉर्मेट है कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आपने देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, अब आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है माइंड में एक बात ले कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर और एम होती है। एट वंस रिमाइंड कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहां पर हम इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग कि आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म नहीं मानना है, केवल आप ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। व्हाई इट इज बिकॉज, क्योंकि जो हमारा रूल है पैसिव वॉइस का कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जब मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो साथ में हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में यही रूल फॉलो होता है, क्योंकि उसके बाद की जो सेंटेंस होते हैं वो अपने आप खुद पता चल जाते हैं कि वो कौन से फॉर्म में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आपने देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें आपको मैं एकदम से रिमाइंड कर लीजिएगा कि जब यहाँ पे एस या ई एस लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आपको इस आर एम की सहायता लेकर ही इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। रूल, अब हमारा रूल क्या है कि सबसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे यानी कि ए लेटर। अब क्योंकि लेटर जो है बच्चों सिंगुलर पर सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा इज का यूज होता है, इज। अब क्योंकि मेन वर्ब ये है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन, ए लेटर इज रिटेन, रिटेन के बाद आ जाता है बाय, बाय के बाद आ जाता है सीता, क्योंकि ये नेम है इसलिए आपको नेम लिखना है। अगर यहाँ पे शी हो जाता तो वापस हर हो जाता, इसका भी तो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको नेक्स्ट आपको लिखवा दूंगी कि इसको किस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, शी को हर में करते हैं, ये को हिस में करते हैं, दे को देयर में करते हैं, बी को अस में करते हैं, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं वो भी आपको लिस्ट लिखवा दूंगी, पहले आज आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ए लेटर इज रिटन बाई सीता, यानी कि सीता पत्र लिखती है, एक पत्र लिखा जाता है बाय सीता, यानी कि सीता के द्वारा, तो ये आपका जो है एक्टिव है और ये बन गया पैसिव, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी तो हमने ए लेटर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हमने इज का लगा दिया। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो यहाँ पे आर आ जाता और आई के साथ एम का यूज होता है, ये आपको मालूम है। इसी तरह सेकंड आ गया कि दे ईट मैंगोस, अब वे आम खाते हैं, अब क्या बनेगा आम खाए जाते हैं उनके द्वारा, द्वारा उनके, अब
मैंगोज है, अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले मैंगोज आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब मैंगोज क्योंकि प्लूरल है, मैंगो नहीं है मैंगोज है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, आर। ईट की तरफ हम ईट एट इटिन इटिन बाय, अब देर को देर में कन्वर्ट करते हैं, बाय देर, दे कन्वर्ट इनटू देर, मैंगोज आर इटिन बाय देर, या कि पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस की इनडेफिनिट में बन प्रेजेंट इनडेफिनिट की मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों बता दिए। आई अगर होगा तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ये तो आपको मालूम ही है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप देखें कि हमारी एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो एकदम से आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, इस आर एम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेकर आप जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचानना स्टूडेंट्स मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो आप जो है इस चीज को समझ लीजिएगा। बस मैंने कहा ना टेंस हर जगह आएंगे, और टेंस का रिपीटिशन अगेन एंड अगेन होता रहेगा, ग्रामर में टेंस ही है जो कुछ है, इंग्लिश खड़ी ग्रामर में, ग्रामर इज द मेन पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ग्रामर में टेंस इज द मेन पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझिए जो मैं आपको खुद बताया, बच्चों समझिए, मैं भी आपको देखती हूँ इसके आगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ग्रामर की बुक लेनी पड़ेगी, आपकी बुक में इतना एलिब्रेटली नहीं बताया गया, केवल सिंपल थोड़ा सा ही लेके बताया गया है, इसलिए आपको समझ में जो है नहीं जल्दी से आएगा। देखिए स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है हमें इस आर एम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और हमने जो है इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यानी कि मेन वर्ब से पहले जो है हम इन हेल्पिंग वर्ब की सारी यूज करते हैं, तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी आप राइट कर लीजिएगा और उससे के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज कर लीजिएगा। मैं बार बार स्टूडेंट्स आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस देती हूँ कि ग्रामर में जो भी पार्ट्स आपको समझाया जाए उसकी आप कोई सी भी आपके पास ग्रामर की बुक अवेलेबल होगी, क्योंकि ट्वेल्थ पास है, जर्नल इंग्लिश हो, न्यू स्टाइल हो, न्यू लाइट हो, और कोई सी भी ग्रामर की इंग्लिश बुक हो, उसमें से उस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक एक्सरसाइज के दो या तीन सेंटेंस आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, सो देट आपकी समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसको प्रैक्टिस में नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, तो आप फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी इसमें मिस्टेक हो जाएगी, सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करती हूँ कि कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज देखेंगे आप जो है स्टूडेंट्स इसको आपका जो है बार बार रिविजन भी हो रहा है टेंस का, क्योंकि हर जगह टेंस का यूज है, टेंस का रिविजन हो रहा है अगेन एंड अगेन, आप समझ रहे हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस करेंगे, सबसे पहले हमने प्रेजेंट ही लिया है तो उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जब लास्ट में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तब आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, और अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स अब जैसे इसी तरह से है एक सेंटेंस, जैसे आई गिव यू
पेन, आई गिव यू ए पेन, अब इसमें आई के साथ भी आ गया, अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव है ए पेन, पेन सिंगुलर है, इज गिवन, गिवन अब इसमें देखिए यू है, यू को देना है तो टू यू बाय, आई को मी में बंद कर दी, बाय मी, ए पेन इज गिवन टू यू, यू से पहले आपको ये आपको टू लगाना है, कंजंक्शन लगाना है, टू यू बाय मी, अ पेन इज गिवन टू यू बाय मी, क्योंकि I give to you तो नहीं हो सकता, I give you a pen, मैंने मैं आपको एक पेन देती हूँ, तो एक पेन दिया जाता है तुमको मेरे द्वारा मेरे, तो यहाँ पे I जो है me में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी स्टूडेंट मैं आपको इसके सारे वो बता दूंगी कि किसमें किसको चेंज करते हैं, जैसे I को me में करा है, इससे मैं इस तरह से जो चेंज करा है, तो नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पहले मैं आपको स्टूडेंट्स उस चीज़ का एक लिस्ट बनवा दूंगी, तो आप उसको लिस्ट को नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आपको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।